तो आज है आषाढ़ी एकादशी। तो इस शुभ मुहूर्त पे आप वाड़ाला में एक विठल मंदिर है और इस पवित्र मंदिर को हम प्रति पंडरपुर भी कहा जाता है। तो आज का जितना भी हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है, तो किनके वजह से मिला है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कोकिलेचा आवाज यहाँ पे पूरी बाहर जत्रा भी लगी है, समझो पूरा फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, पूरा धमाल चल रहा है, देख सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है आषाढ़ी एकादशी। तो इस शुभ मुहूर्त पे आप वाड़ाला में एक विठल मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जितना भी महोत्सव है बहुत बढ़िया से यानी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इस पवित्र मंदिर को हम प्रति पंडरपुर भी कहा जाता है। आज जितने भी अपने पंडरपुर के भाविक है वो विठल रुक्माई के दर्शन करते हैं। तो जिनको भी आज पॉसिबल नहीं है, जो मुंबई साइड में रहते हैं या थाना मालाड साइड में रहते हैं, तो यहाँ पे अपने विठल रुक्माई के दर्शन करने के लिए यहाँ प्रति पंडरपुर में आते हैं। तो चलो हम इधर का आज का जितना भी रहेगा आपको धमाल देखने के लिए मिल ही जाएगा। जितने भी अपने वारकरी संप्रदाय है तो उनके अभंग भी चल रहे हैं और बाहर साइड में अगर देखेंगे तो पूरी जत्रा भरी हुई है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं फेस्टिवल ही चल रहा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये व्लॉग में। तो बस फ्रेंड्स, आप ये व्लॉग को एंजॉय करो और सबसे पहले तो मैं विठल रुक्माई जी के दर्शन करके आ जाता हूँ और आपको वापस एक बार मिलता हूँ। भाविकों की गर्दी आप देख सकते हैं, पूरी जितने भी पब्लिक है सब लाइन में ही खड़े हैं जो अपने विठल रुक्माई के दर्शन के लिए। Thank you.
तुमचं नाव काय म्हटलं? माझं नाव विजय सुर्वे. धन्यवाद भाऊ आपल्याला मदत केल्याबद्दल. नाही नाही असं काय नाही. तो फ्रेंड्स अभी अपना दर्शन करके भी हो गया है बहुत बढ़िया से, और आज का जितना भी हमें देखने के लिए मिला है ठीक है, तो किनके वजह से मिला है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, रुको एक मिनट के बाद. धन्यवाद. चलो प्रसाद भी ले लिए, प्रसाद ग्रहण करते हैं. गे जय थोड़ा गे. हाँ तो फ्रेंड्स अभी अपना जो विठल रुक्माई भगवान का दर्शन भी करके हो चुका है, सब कुछ बढ़िया से हो गया, और ये जो अभी प्रति पंडरपुर का जितना भी सोहरा था उसका जितना भी हमको लाभ लेने के लिए मिला, तो उसके लिए बस एक ही मैं क्रेडिट दूंगा, तो वो है अपने जयेश भाई. यहाँ पे खड़े जयेश भाई, बोला जयेश भाई क्या बोलता? बहुत बढ़िया. अपने स्त्री के ब्लॉक के मेंबर है, यानी स्त्री की फैमिली के मेंबर है. बस कल रात को इन्होंने मुझे मैसेज किए कि बोले कि भाई अपना जो वड़ाला में भी बहुत बड़ा से प्रति पंडरपुर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो आप उधर भी आके उसका भी लाभ लो. तो मैं बोला चलो ठीक है. एक्चुअली मुझे आज अपना जो तेजुकाया का राजा है लालबाग में, तेजुकाया का राजा, तो वहाँ पे पाद्य पूजन सोहरा में जाना था, मगर मैंने फिर भी जयेश भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं वड़ाला आके जाऊँगा और इनसे मिलके भी जाऊँगा और अपने विठल रुक्माई जी का दर्शन करके जाऊँगा. तो बोलो जयेश भाई क्या बोलते, फिर कैसे लगा आपको आज? मजा आया. मैं तो बहुत या भीड़ है यहाँ पे आज, तो भी मैं ऐसा एडजस्ट करके इनको बुला दिया. फैमिली सपोर्ट करना ही चाहिए. बरोबर 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 बरोबर. और आप अभी इधर ही रहते हो और अपने मंडल के ही मेंबर हो? या. तो ये देखो ये इनका आईडी है, ये अपना जो श्री विठोबा गणपति महादेव मंदिर ट्रस्ट है, तो इनके ही मेंबर है, ये स्वयं सेवक है. तो इन्होंने हमको बुलाए थे और इनकी वजह से हमारा दर्शन भी बहुत जल्दी हो गया. जब आप देखेंगे तो बहुत भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है, समझो लाखों में तादाद में यहाँ पे बहुत पब्लिक आई हुई है, भाविक आए हुए हैं, मगर इनके हेल्प से हमारा फटाफट दर्शन भी हो गया, मंदिर परिसर भी घूम के हो गया और सब कुछ बढ़िया से हो गया. तो चलो अभी जयेश भाई को भी अलविदा करने का टाइम आ चुका है और इसके बाद हम सीधा मिलेंगे आपको तेजुकाया, लालबाग का राजा तेजुकाया. तो वहाँ पे भी अपना आज है वहाँ पे पाद्य पूजन सोहरा, अभी वहाँ के लिए निकलेंगे. तो चलो फ्रेंड्स अभी ये व्लॉग को हम एंड करते हैं, और अगर ये व्लॉग आपको अगर पसंद आए तो ये वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, राइट. थैंक यू जयेश भाई. चला जयेश भाई बैठ गुन्ना ठीक है. देखो फ्रेंड्स अभी हमने एग्जिट किया, मगर बैक साइड में अभी भी देख सकते हैं पूरी लाइन अभी भी लंबी लगी पड़ी है. ये जाइंट व्हील है यहाँ पे, और ये एक ब्रेक डांस करके एक और एक राइड है, और एक छोटा सा बच्चे लोग के लिए छोटा सा जाइंट व्हील है. ये साइड में अपोजिट में देखिएगा तो एक हेलीकॉप्टर राइड भी है छोटी सी. ये चला